दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर एक 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। यहां जनता विहारी ब्लॉक के गली नंबर 4 में पड़ोस का एक शख्स काम पर जाने के लिए अपनी 4-व्हीलर कार को बैक कर रहा था और वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें से एक बच्चा कार के नीचे आ गया और कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भैया मैं गया था 9:30 बजे, निकला हूँ रिक्शा चलाने, पैर वाला रिक्शा चलाता हूँ जी। और उसके बाद जब मैं आजादपुर पहुँचा हूँ जी, तो हमारे भाई का लड़का तुरंत फोन किया, कह रहा चाचा जल्दी आजा, संतोष का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हमको ये बाबू ये कैसे हो गया, कह रहा बाबू मारुति वाले ने ठोक के पीछे बैक किया इस रफ्तार में और उसने चढ़ा के भाग गया। अच्छा। तो हमको कौन भाग गया, तो पता लगा कि ये है। तो उसके बाद इसने हमारे बच्चे को उठाया गाड़ी में, आगे बैठाया, तुरंत लेके जगजीवन राम हॉस्पिटल चला गया जहांगीरपुरी। और उसके बाद जहांगीरपुरी गया तो मैं वहाँ से भागते भागते आपने रिक्शा खड़ी किया, देखा हमारा बच्चा नहीं है, फिर मैं बाइक से अपने भागते गया कि देखो हमारे बच्चे क्या हाल है। वहाँ जैसे मैं पहुँचा, हमारे बच्चे ने दम तोड़ दिया था जी। और जब तक मैं चिल्लाना शुरू कर दिया, लोग कह रहे क्या हो गया इतना तगड़ा चिल्ला रहे हो, हमको यार हमारा बेटा मर गया, तुम लोग कह रहे हो इतना तगड़ा क्यों चिल्ला रहे हो। फिलहाल भलसवा डेयरी थाना पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उस कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन कार चालक की छोटी सी लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल अत्रे की रिपोर्ट।